जहां आज पूरे देश में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं सिद्धार्थ नगर जनपद के स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी मैरिज हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि बांसी नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी द्वारा बांसी माघ मेला मैदान में बने स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी मैरिज हॉल में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी रहे। वहीं इस सम्मान समारोह में दर्जनों की संख्या में कार्यरत अध्यापक और सेवा निर्वृत हुए। अध्यापक में उपस्थिति दर्ज कराए वह नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी ने सभी अध्यापकों का फूलमालाओं से स्वागत किया और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक की शिक्षा ही नहीं देता है, बल्कि शिक्षा के साथ साथ दिशा दिखाता है। अगर शिक्षक ना होते तो लोग बिखर जाते। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीस पटवारी ने कहा कि शिक्षक हम सब के गुरु हैं और शिक्षक का सम्मान करना सबका कर्तव्य है। इसी के तहत आज शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जी, आज आपके द्वारा जो है शिक्षक सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहेंगे? इसका मूल उद्देश्य है कि शिक्षक समारोह में जो भी आए हैं शिक्षक सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग आए और सम्मान हमने सबका किया। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और आने वाले दिनों में मैं फिर सबका सम्मान करता ही रहूंगा। बहुत बहुत स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी मैरिज हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह हुआ, इसमें आप मुख्य अतिथि रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दर्शन दुनिया के देशों में जो बहुत बड़े देश हैं उसमें रूस का नाम आता है। रूस में सर्वाधिक अगर प्रतिष्ठा किसी को मिलती है तो शिक्षकों को मिलती है। इसलिए मिलती है, हमारा ये सोचना गलत है कि शिक्षक हमें शिक्षा ही देता है। शिक्षक हमारे जीवन के सारे डिसिप्लिन को नियंत्रित करता है, खेल के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वाद विवाद के क्षेत्र में, ओशनोग्राफी के क्षेत्र में, डेमोग्राफी के क्षेत्र में, दुनिया में जितने हमारी जिंदगी से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उनमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य यह है कि लोग मीनार को देखते हैं, नींव के पत्थर को उपेक्षित कर देते हैं। हमारे देश में जो नींव के पत्थर हैं, जो प्राथमिक शिक्षक हैं, जो पूर्व माध्यमिक शिक्षक हैं, जो उससे आगे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, इनका योगदान देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, चरित्र के निर्माण में, संस्कृति की रक्षा में, देश को दिशा देने के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान है। अगर शिक्षा उपेक्षित हुई, अगर शिक्षक का सम्मान नहीं हुआ, अगर शिक्षकों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो ये सारी उपलब्धियां जो दुनिया जिसका लाभ उठा रही है समुंदर से लेकर आसमान तक, वो सब इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं शिक्षकों की बदौलत है। इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने दुनिया को इस तरह के कंट्रीब्यूशंस दिए। जहाँ तक राष्ट्रपति जी का या उपराष्ट्रपति जी उस वक्त थे, 1961 में ये गोरखपुर में आए थे और राधा कृष्णन जी एक शिक्षक थे, राधा कृष्णन जी एक पॉलिटिशियन थे। राधा कृष्णन जी सबसे बड़ी उनकी हैसियत थी, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। भारत सेवक समाज का उद्घाटन करते हुए गोरखपुर में उन्होंने कहा था, लेट द रिच मेक देयर हाउसेस इन ऑर्डर, पुअर्स आर बाउंड टू फॉलो देम। अगर समाज का बड़ा आदमी, बड़ा से धनवान नहीं, समाज का बड़ा आदमी लाइन में खड़ा हो जाए तो बाकी अपने आप उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। अनुशासन, चरित्र निर्माण, राष्ट्र को गति देना, एक अच्छे संस्कारी नागरिकों का निर्माण करना, ये शिक्षकों के ही द्वारा होता है और जहाँ शिक्षक सम्मानित। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।